हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सेल्स के ऐसे चार मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन के बारे में जिनको आप अपने कस्टमर से पूछना है ड्यूरिंग द सेल्स और जिसकी वजह से आपकी सेल्स सबसे ज्यादा लीड होती है। वेलकम टू सक्सेस मोटिवेशन बाय अर्पित। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बिकॉज बहुत यूजफुल वीडियो है और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए, जब भी हम सेल्स करने जाते हैं या कोई भी सेल्स मीटिंग के लिए जाते हैं तो एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। हमें प्रॉपर पता होना चाहिए कि हमारा कस्टमर किस प्रोडक्ट को परचेज करना चाह रहा है, किस प्रोडक्ट के लिए हम उसके पास जा रहे हैं और साथ साथ में हमें पता होना चाहिए किस कस्टमर से क्या बातें करनी है। तो आज मैं ऐसे चार मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको कस्टमर से ड्यूरिंग द मीटिंग आपको बात करनी है, ड्यूरिंग द मीटिंग आपको उससे पूछना है। तो चार मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन कौन कौन से हैं फ्रेंड? पहला क्वेश्चन है हाउ यू गेट टू मीट विद अस। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज योर विजन विद दिस प्रोडक्ट। तीसरा है व्हाट वाज द प्रॉब्लम एंड हाउ यू वांट टू फिक्स इट। एंड लास्ट है इफ दिस मीटिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू यू देन हाउ यू वांट टू बुक। तो पहला है हाउ यू गेट टू मीट विद अस, मतलब कि आपको कस्टमर से ये पूछना है कि कस्टमर को आपकी कंपनी के बारे में कैसे पता चला, आपके कस्टमर क्या प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का जो उसको पसंद आ रहा है, आपके कस्टमर को कौन सी हमारी सर्विस है जो पसंद आ रही है, या फिर कोई कस्टमर है जिसको हमारा यूजर था और उस यूजर के थ्रू इनको रेफरेंस मिला है। तो आपको ये सब जानना है कि आखिर कस्टमर आपके कंपनी के किस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखा रहा है, कौन सा प्रोडक्ट उसको पसंद है, या आपकी कंपनी की कौन सी बात उसको पसंद है, या फिर किस कंपनी के थ्रू, किस पर्सन के थ्रू आपकी कंपनी बारे में पता लगा। इससे क्या होता है, एक तो रिलेशन बिल्डअप होता है, दूसरा आपके पास एक रेफरेंस क्रिएट हो जाता है कि हाँ पर्टिकुलर प्रोडक्ट कोई परचेज करना चाहता है या पर्टिकुलर एक कस्टमर है जो आपके प्रोडक्ट को ऑलरेडी यूज कर रहा है, तो एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू आपके तैयार हो जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही पूछना है कि आपको हमारी कंपनी के बारे में कहाँ से पता लगा और ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है या ऐसी कौन सी सर्विस है जो आपको हमारी कंपनी की पसंद है। दूसरा जो पॉइंट आता है या दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो यही है कि व्हाट वाज योर रीजन फॉर दिस प्रोडक्ट, मतलब कि कोई भी कस्टमर जो प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है तो आपको उससे यही पता करना है कि आखिर उस प्रोडक्ट को किस वजह से परचेज करना चाह रहा है, कितनी क्वांटिटी में परचेज करना चाह रहा है और क्या चाह रहा है कि मतलब किस तरह का सॉल्यूशन वो आपके प्रोडक्ट से चाह रहा है, ताकि आपको एक पर्टिकुलर आंसर मिल जाता है उसको देने के लिए कि हाँ हमारे पास ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट आपकी जो प्रॉब्लम है, जो भी आप इससे विजन है उसको हमारा प्रोडक्ट इस तरीके से आपको क्लियर कर सकता है, इस तरह से आपके विजन को फुलफिल कर सकता है। तो आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाता है कि आपको अपने कस्टमर को किस तरह से अप्रोच करना है, क्या आपके प्रोडक्ट की बेनिफिट्स हैं जो कस्टमर को बताने हैं कि इस बेनिफिट से आपका जो विजन है वो पूरा होता है। तो दूसरा क्वेश्चन आपको यही पूछना है कि ऐसा आपका क्या विजन है हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने में। तीसरा है व्हाट वाज द प्रॉब्लम एंड हाउ यू वांट टू फिक्स इट, मतलब कि कोई भी कस्टमर कभी जब प्रोडक्ट परचेज करता है तो उस प्रोडक्ट को परचेज करने के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करता है। तो आपको कस्टमर से यही पूछना है, मींस आपको उसकी जो प्रॉब्लम है, उसका जो कंसर्न है, उसके साथ आपको अटैचमेंट करना है, मतलब कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्डअप करनी है और कस्टमर से पूछना है कि सर आपकी क्या प्रॉब्लम थी, किस वजह से आप ये प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हो। तो आपको जैसे ही इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है कि हाँ यार मेरे को ये प्रॉब्लम थी और इसका सॉल्यूशन मैं से चाहता हूँ, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है अपने प्रोडक्ट के डेमो देने के लिए। चौथा और लास्ट पॉइंट यही आता है फ्रेंड्स कि इफ दिस मीटिंग इज अकॉर्डिंग टू यू देन हाउ यू वांट टू बुक, मतलब कि आपने सारा डेमो दे दिया, प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, अब कस्टमर से आपको यही पूछना है कि सर अगर आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद आया है, आपको लगता है कि हमारे प्रोडक्ट से आपकी जो भी कंसर्न है, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है, तो आप बताएं सर आप इसको कैसे बुक करना चाह रहे हैं। मतलब अब आता है नेगोशिएशन वाला पार्ट कि आपको अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की प्राइस बतानी है और आप प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में आपको नेगोशिएट करना है और उसको बुकिंग की फॉर्मेलिटीज पता करनी है। तो ये चार ऐसे क्वेश्चन है जो आपको कस्टमर से ड्यूरिंग द सेल्स मीटिंग पूछना है। तो अगर ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।